तो गाइस कल रात की वजह से मेरा गाड़ी हो गया पंक्चर, जिसको मैं घर पे ही छोड़ा और अभी लेके आ गया हूँ ये वाला बाइक, अपना साइकिल लेके आ गया हूँ अभी, और अभी मैं जाता हूँ ऑफिस की तरफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिकंदर सागर व्लॉग। जैसा कि हर बार की तरह सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, रात को जो मैं हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं वापस घर पे आ गया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मेरी बाइक पंक्चर हो चुकी है, और मेरी बाइक पीछे वाला टायर पंक्चर हो चुका था, तो उसको पहले मैं जाके अभी उसका पंक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं वापस घर आकर पूरी घटना बताऊँगा कि मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो चलते पहले बाइक का अपन पंक्चर बना के आ जाते हैं। ये देख सकते हैं गाइड, कल रात की वजह से मेरी गाड़ी भी पंक्चर हो गई थी, और रात को मैं काफ़ी लेट आया, तो रात भर तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं दिन में ऑफिस भी साइकिल से गया, अब इसका पंक्चर बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो पैदल मुझे ले जाना पड़ेगा ये बाइक इसका पंक्चर बनाने के लिए। तो चलते अपन इस गाड़ी का पंक्चर बनाने के लिए। देख सकते हैं मैं ये पंक्चर बनाने के लिए कैसे जा रहा हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं यार गाइस, हालत ख़राब हो गई है, गाड़ी पंक्चर हो गई है, अब क्या करूँ यार, फिर भी पंक्चर तो बनाना पड़ेगा। चलो पंक्चर बनाने के लिए चलते हैं अपन, है ना। गाइस, रात काफ़ी हो चुकी है और मैं अभी भी गाड़ी का पंक्चर बनाने के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी चला भी नहीं पाता हूँ, पैदल गाड़ी लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर बैठ के तो चल ही नहीं सकता था, ऐसा वो लोड सहन नहीं कर रही थी, वो ट्यूब ज़्यादा फट जाता, इसलिए मैं पैदल लेके आया। रात हो गई है और अपन चलते हैं, अभी टाइम लगेगा बहुत गाइस, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। तो फाइनली अपना गाड़ी लेकर हम पहुँच गए हैं पंक्चर बनाने के लिए, अभी ये भैया अपनी गाड़ी का पंक्चर बनाएंगे। खड़ा हूँ, बहुत थक गया हूँ, गाड़ी को पैदल लेकर आया हूँ तो बहुत थक गया यार, हालत ख़राब हो गई मेरी, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, आज बहुत ही बुरा हुआ। तो पंक्चर बनवा लेते हैं यार, फिर घर चलते हैं, मैं आपको हॉस्पिटल में क्या हुआ कल रात को वो पूरी कहानी बताऊँगा। कट लगड़ो मोटो कट छोटो कट छोटो कट निकले। हमने अभी यहाँ से सब्जी ले ली है और सब्जी का बहुत बड़ा बोरा भर दिया इन्होंने, और वो अभी बोरा लेकर हम घर जाएंगे। तो गाइज यार, मेरे साथ बहुत ही बुरा वाला सीन हुआ यार, क्या करूँ यार, रात भर हॉस्पिटल में मैं बहुत मुश्किल से रात काटी, क्योंकि यार एक्सीडेंट भाई का है ना, इतना बहुत जोर वाला हुआ था कि आप पूछो मत यार, देखने लायक नहीं था। मैं उसके कुछ फुटेज इस वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देख लेना, उससे आप गाइज कर लेना कि कितना भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ। अभी भाई साहब ऐसा है सीन कि मेरे पास में ही किसी भाई की शादी हो रही है, तो ये म्यूजिक वगैरह साइड में बज रहा है, तो मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं व्लॉग अच्छी तरह से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बाहर जाके आपको दिखा देता हूँ कि साइड में जो हमारे घर के पास शादी चल रही है वो आपको दिखा लेता हूँ, इसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। ये बैकग्राउंड साउंड बहुत तेज़ आ रहा है, इसकी वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ और मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ पा रही होगी। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे
इधर मेरा घर है और ये मेरा घर है और इधर सामने है जो वो शादी हो रही है, तो सभी बच्चे वगैरह वहाँ खड़े हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए तो शादी का माहौल है, इसलिए व्लॉग में सही ढंग से आवाज़ भी नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। गाइज आपने देख लिया हमारे पास में शादी हो रही है, शादी का सीन मैंने आपको दूर से दिखा दिया है, वापस मैं अभी घर में आ गया हूँ और घर में अभी प्रिया मेरे वेट कर रही थी, ये आवाज़ लग रही थी इसलिए मैं आ गया हूँ, ये मेरे को अकेली थी घर में तो मेरे को बार बार आवाज़ लगा रही थी कि घर में आ जाओ यार, बच्चे भी सब बाहर में है और अकेला मन नहीं लग रहा था, इसको डर लग रहा था, तो मैं वापस घर में आ गया हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट फेस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्यों क्या कर रहा सब्सक्राइब, जोर से बोलो सब्सक्राइब। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।